जी, मेरा नाम आशीष भूषण सिंह है। कब आपने ये सोचा था कि आपको वैज्ञानिक बनना है? जी सोचा एज सच, मतलब पढ़ते रहे हमेशा से, और मेरे बड़े भैया हैं वो हमको सही डायरेक्शन दिखाते गए। उनको लगा कि इस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं, और जब हम इसके बारे में जाने तो हमको रियलाइज़ हुआ कि हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और देश का नाम कर सकते हैं। काफ़ी मतलब एकेडमिकली तो जिस इंस्टीट्यूट से हम पढ़े थे वो काफ़ी चैलेंजिंग था, तो पर ठीक था। मतलब ऐसा कुछ कभी ऐसा नहीं लगा कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हो रहा है। सब कुछ लगा कि हम मतलब मुश्किल था पर मतलब किया जा सकता था, ऐसा फील आ रहा था और किए जा रहे थे, तो वही था। पहले से ही माइंड में ये बातें थी कि आपको वैज्ञानिक बनना है। हाँ, जब 4-5 साल पहले जब मेरे बड़े भैया से बात हुई थी तो माइंड मेकअप हो गया था कि इसरो में ही जाना है और वैज्ञानिक बनना है। उसमें अभी आपको कौन सा पद मिला हुआ है? साइंटिस्ट सीक कहते हैं इसको, इसके बाद DEF ऐसे ही आगे बढ़ता है। ये क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर पद है। ग्रुप ए जो पहले होता था, क्लास 1 जिसको अब पहले कहते थे, अब शायद ग्रुप ए कहते हैं, तो वो है पद। आम भाषा में इसको क्या कहेंगे? जैसे गांव जवार के लोग जो कैसे इसको जानेंगे? ये सेम पद है जो एक IAS ऑफिसर का होता है, सेम रैंकिंग। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव में होता है, हमारा टेक्निकल में होता है, साइंटिफिक सेम पद है। तो आपने वहां पर इम्तिहान दे दिया था? मैं अभी स्टार्ट होगा, अभी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के लिए हम URSC में काम कर रहे थे, URSC बैंगलोर सेंटर पे, इसरो का ही सेंटर है। जनवरी से अप्रैल तक वहाँ काम कर रहे थे। चाहत यही है कि जितने भी मिशंस हो, जैसे अभी वीनस पे मिशन भी होने वाला है, हाल फिलहाल में चांसेस तो कम है कि अभी मिशन मंगल 2 में मौका मिले, क्योंकि जाते ही मिलना मुश्किल है, पर वीनस पे चांसेस है कि मिल जाए, काम करने को भी मिले और सीखने को भी मिले। और पिछले 4 साल से यही करते आए हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट भी इसरो का ही इंस्टीट्यूट था, तो ऐसे ही धीरे धीरे मिशंस के बारे में नॉलेज दिया जा रहा था। हमारे प्रोजेक्ट भी उसी ओरिएंटेड होते थे, फाइनल ईयर में भी हमारा प्रोजेक्ट उसी ओरिएंटेड था। स्पेस टूरिज्म के ऊपर हमने प्रोजेक्ट भी करा था, हम और हमारे मित्रों ने करा था 1 साल पहले, और हाल फिलहाल में इसरो ने वो इसरो भी स्पेस टूरिज्म ही करने जा रहा है। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, कभी कभी सीखने को मिलता है, कुछ कुछ मैच हो जाता है। जी हाँ, रखे तो हैं पर मतलब थोड़ा सा कहने में आश्चर्यचकित लगता है, पर इंटरप्लेनेटरी जो मूवीज में देखते आए हैं कि कैसे ये पॉसिबल है, ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन है क्या, तो उनसे प्रेरित लेकर जैसे इंटरस्टेलर में दिखाया गया है, वैसे ही है कि शायद एक टाइम के बाद हमारा भी ऐसा सिस्टम हो कि हम भी इंटरप्लेनेटरी पीपल का ट्रांसफर कर सके। तो मेरा पर्टिकुलरली यही है कि इसमें हम बहुत योगदान दे सकें और एक अर्थ को छोड़ के दूसरा प्लैनेट को भी हैबिटेबल बनाने की कोशिश में लगें, ताकि वहां भी कॉलोनाइजेशन हो। देखेंगे अगर इस सेक्टर में अगर कुछ आगे हो सके तो, क्योंकि अभी मार्स कॉलोनाइजेशन की बात चल भी रही है, तो अगर इससे मिला चांस, जैसे हमारे एक मिल्की वे गैलेक्सी है, अन्य और भी गैलेक्सी हैं, तो अभी तो हम लोग प्लानिटरी में जा रहे हैं, फिर कुछ टाइम बाद हो सकता है 100-200 साल बाद कि लोग एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है। इन्हीं सब के ऊपर काम करने की इच्छा है मेरी। चंद्रयान 3 के पीछे जो सफलता है उसका क्या कारण? जी, चंद्रयान 3 का जैसा कि हमारे चेयरमैन सर ने भी कहा है कि चंद्रयान 3 पे हमने इस बार जो इसलिए हमारा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इस बार हमने फेलियर मैकेनिज्म यूज़ करा है। फेलियर मैकेनिज्म क्या होता है कि ये चीज़ सही करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, ये सक्सेस मैकेनिज्म हुआ। फेलियर मैकेनिज्म, ये चीज़ गलत भी हुआ तब भी हमारा मतलब ये फेल नहीं करेगा, ये फेल नहीं करेगा। जैसे उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर हमारा सेंसर फेल हो जाए, सब कुछ फेल हो जाए, फिर भी हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, तो ये एक फेलियर मैकेनिज्म होता है जो हम लोग को कि अगर सब कुछ फेल भी कर रहा है तब भी हम सक्सेस कर लेंगे, या फिर ये फेल हो गया, इस पे भी टिक मार्क हो गया, हाँ इसके बाद भी सक्सेसफुल लैंडिंग हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे हमने फेलियर मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए ये मैकेनिज्म ये मिशन करा था। सफलता के श्रेय किसे देना चाहेंगे? जी सबसे पहले हम अपने मतलब अपने बड़े भाई राजभूषण सिंह को उन्हीं के बदौलत जो है, क्योंकि सब कुछ मेरा वही निर्णय लेते हैं, हमको सलाह देते हैं। उसके अलावा मेरे माता मेरे पिताजी जो मतलब
इतने मतलब छोटे से, उस समय जब हम पटना से, पटना गए थे गांव से, उस समय मैं महज 5 साल के होंगे, और काफ़ी अच्छे मतलब उस समय गांव से कोई निकला नहीं था, तो उसके लिए माता पिता जो इतना बड़ा स्टेप लिए, और मेरे बाबा मार्कंडे सिंह जो इसको सपोर्ट किए हैं, और साथ में ही मेरे ननिहाल, मेरी नानी माँ कमला देवी, और मेरे मामा लोग जैसे संजू मामा, पप्पू मामा, बड़े मामा, उमेश मामा, पंकज मामा, ये लोग का बहुत योगदान रहा है, और बहुत ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट करा है। मेरे चाचा लोग भी हर समय, पूरी फैमिली का आपका हाँ आनंद चाचा हो गया, अभिषेक चाचा सफलता। जी, मतलब मेहनत करेंगे। और जैसे इसका बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे गेट की परीक्षा का आपने नाम सुना होगा, ICRB करके एक एग्जाम होता है, और एक हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है IIST, तो इन तीनों में से आप किसी तरीके से भी जा सकते हैं इसरो में। तीनों में आपको क्या, एक जैसे ICRB का एग्जाम देंगे आप, तो एग्जाम देने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपको कॉल लेटर आएगा। मतलब एक तो स्क्रीनिंग फेज भी होता है पहले, पर मान के चलते स्क्रीनिंग फेज हो गया, आप सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, फिर आपको एग्जाम देना होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। फिर दूसरा तरीका होता है गेट का स्कोर, वो लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ है, गेट के स्कोर के हिसाब से कट ऑफ आएगा, उसके बाद से आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपको मिल जाएगा। फिर IIST आता है जिससे हम थे, उसमें भी क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर CGPA मेंटेन रखना होता है, CGPA मेंटेन रखेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कॉल होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा कॉन्वोकेशन था तो के राधा कृष्णन सर से मिले, जो कि हमारे फॉर्मर इसरो के चीफ रह चुके हैं, एस सोमनाथ सर से मिले जो हमारे अभी इसरो के चीफ हैं, फिर और भी हमारे VSSC के डायरेक्टर सर थे, LPSC के डायरेक्टर सर थे, हमारे चांसलर BN सुरेश सर थे, पद्म भूषण है वो, उसके बाद हमारे IIST के रजिस्ट्रार थे, और हमारे डीन स्टूडेंट एक्टिविटीज थे, सबसे मुलाकात हुई, सब सबसे मिले, काफ़ी अच्छा लगा, उन लोग की बातें सुनी, काफ़ी मोटिवेटिंग लगा, और सबका एक ही मानना था कि ये अभी शुरुआत है सिर्फ, तो हम भी यही मानने की कोशिश करेंगे कि अभी शुरुआत है बस।